फिनोल्स प्रिपरेशन के हम 6 मेथड पढ़ेंगे, इनमें से 3 आपके सामने। गाइज अगेन एक बात ध्यान रखना, सिंपल रेसिपी। रिएक्टेंट पे जब कोई कंडीशन सी लगेगी तो प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट हमारा क्या है? फिनोल। पता ही हमें भाई, पहले बना के रख दिया फिनोल, ठीक है। किससे बना रहे हैं? रिएक्टेंट क्या है मतलब, कंडीशन क्या है? सिंपल। आ जाओ शुरुआत करेंगे बेंजीन से। हमारे पास क्या है? बेंजीन, ठीक है। बेंजीन पी मैंने रिएक्शन करवाई H2S2O7, इसे हम कहते हैं ओलियम। समझना चाहे तो H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर है। कौन? ओलियम, H2S2O7 ओलियम कहते हैं। जब आप बेंजीन की रिएक्शन ओलियम से करवाते हैं तो बेंजीन के साथ एक ग्रुप जुड़ जाता है, SO3H ग्रुप। इस ग्रुप को कहते हैं सल्फोनिक ग्रुप। क्या बन गया? बेंजीन सल्फोनिक। और SO3H ग्रुप क्या है? H+ देगा तो एसिड है। तो क्या नाम हो गया भाई इसका? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और हम प्रिपेयर कर रहे हैं फिनोल को किससे? बेंजीन सल्फोनिक। क्या करें? आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, डन। इसकी फर्दर रिएक्शन करवा दीजिए NaOH के साथ। कुछ नहीं करना भाई, किसके साथ रिएक्शन करवाओ? NaOH के साथ। NaOH के 3 मोल के साथ रिएक्शन करवानी होती है सिंपली, ठीक है। क्या होगा जब आप पहले NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस H की जगह Na आ जाएगा। आ गया? आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप ये स्टेप दिखा सकते हो। एक NaOH के साथ रिएक्शन करवाना, SO3H की जगह क्या लिख देना? Na, SO3Na। सोडियम साल्ट बन गया सल्फोनिक एसिड का, ठीक है। फिर जब दो NaOH के साथ फर्दर आप, ये मान लो बेंजीन है, इसके ऊपर क्या है भाई? SO3Na की रिएक्शन करवाओगे दो NaOH के साथ, एक NaOH एंड एक NaOH। क्या होगा? Na2SO3 बाहर निकल जाएगी, ठीक है। साथ में यहां से पानी H2O बाहर निकल जाएगा, ONa यहां जुड़ जाएगा सिंपल, ONa। पहले NaOH के साथ या NaH की जगह ले लेगा, फिर दो NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे तो दो NaOH, दो NaOH, यहां रखें Na2SO3 बाहर निकल जाएगा माइनस में, क्या यही क्या भाई? प्लस। यहां पे देखें तो माइनस में क्या निकलेगा? Na2SO3 निकलेगा, साथ में वाटर निकलेगा भाई, ONa जुड़ गया। इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। बेंजीन के ऊपर O- आयन को कहते हैं फिनोक्साइड आयन, साथ में Na जुड़ गया तो सोडियम फिनोक्साइड। इसकी रिएक्शन डायल्यूट HCl के साथ करवा दो भाई, क्या होगा? ये Na अगेन रिप्लेस हो जाएगा H द्वारा, और Na के साथ क्या बाहर निकल जाएगा? Cl, माइनस NaCl बाहर निकल जाएगा। ये माइनस का मतलब क्या है कि Na प्रोडक्ट के साथ बाहर निकलेगा, बनेगा, ठीक है। क्या बन गया? Na की जगह क्या जाएगा? H, फिनोल। इस तरीके से आप फिनोल बना सकते हैं। मैक्सिमम स्टेप्स में क्या होगा, लास्ट में आपको सोडियम फिनोक्साइड मिलेगा, आप क्या करना? डायल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा फिनोल बन। गाइस इस तरीके से हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या बना लेंगे? फिनोल, ठीक है। आपको बोल दे कन्वर्ट बेंजीन इनटू फिनोल, तो ये रास्ता है आपके पास, कन्वर्जन भी हो गया, बेंजीन से फिनोल बनाओ, ऐसे बना सकते। ओके, नाउ सेकंड मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ये कंपाउंड है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन के ऊपर दो अजो, दो नाइट्रोजन है, अजो टर्म इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन के लिए, नियम क्लोराइड सील जुड़ा हुआ है। ये कंपाउंड है BDC, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड किससे बनता है? गाइस एनिलीन से, ये है एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की रिएक्शन आप करवाइए होनो के साथ। होनो किससे बनता है? फिर से बता दूं, होनो को हम इन सीटू प्रिपेयर करते हैं, NaNO2 और HCl से बनता है। ठीक है, टेम्परेचर रखिएगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 273 से 278 केल्विन,
तो एनिलीन से डबेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, बन गया। कुछ नहीं करना फर्दर, एक और काम, यहाँ डाइल्यूट H2SO4 के साथ आप इसको हीट कर देना। क्या मतलब है भाई, अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को डाइल्यूट H2SO4 के साथ हीट करते हैं, हीट का मतलब खास है, देखो यहाँ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस को ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, जैसे यहाँ टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाओगे ना, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तुरंत डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, इसमें एसिड भी है और क्या है, वाटर, ये वाला ग्रुप बाहर, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH ग्रुप, क्या बन जाएगा, फिनोल। ध्यान रखिएगा, फिर से सुन लीजिए, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आप हीट कर देते हैं तो फिनोल बन जाता है। जब आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे होते हो तो आपको टेम्परेचर कम रखना होता है, इसीलिए तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, अगर आपने एनिलीन के साथ जब आप होनो की रिएक्शन करवा रहे हो ज्यादा टेम्परेचर पे, ग्रेटर देन 5 डिग्री सेल्सियस, देन फिनोल बन जाता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनता है, सिंपली, क्यों, हीटिंग के कारण ये वाला ग्रुप अनस्टेबल हो जाता है, यहां से निकल जाता है और यहाँ पे आगे क्या जुड़ जाता है, OH, सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनोल बना सकते हो, सिंपल। एनिलीन को कन्वर्ट कीजिए फिनोल में, एक कन्वर्जन और हो गया, बेंजीन को फिनोल में, एनिलीन को फिनोल में, ठीक है। नेक्स्ट, बाई डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ध्यान दीजिए, गौर से सुनिएगा, ये देखो अगर Na की जगह यहां H हो तो दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड गाइस हम प्रिपेयर करते हैं कोल्ब्स रिएक्शन में, ध्यान रखिए, आप राइमर टाइमर रिएक्शन में भी बना सकते हो, ठीक। अभी सैलिसिलिक एसिड को पहले आप NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो इस H की जगह Na आएगा, NaOH होता है, ये H वाटर के साथ बाहर निकल जाए। अब इसे हम कहेंगे क्या, जब Na जुड़ जाएगा यहां, सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड, समझ आए हो, बिल्कुल। अच्छा H तो यहां पे भी, यहां पे Na क्यों जुड़ेगा, ध्यान रखिएगा, COH ग्रुप और OH ग्रुप में से ज्यादा एसिडिक होता है COH ग्रुप, ये वाला रिएक्शन जल्दी करेगा, और हमें एक ही मोल देते हैं Na OH, तो यहां से ही निकलेगा, समझ रहे हो, ठीक। यहां पे क्या आ गया भाई, Na, तो कई बार H और Na का ही सिस्टम ध्यान रखना, H की जगह Na हो तो आप समझ लेना क्या कहानी है, ठीक है। नाउ डीकार्बोक्सिलेशन, गाइस डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हमारे पास एक मिक्सचर होता है जिसे कहते हैं सोडा लाइम, Na OH और CO का मिक्सचर है, इसे कहते हैं सोडा लाइम, क्या कहते हैं इसको, सोडा लाइम, क्या कहते हैं इसको, सोडा लाइम कहते हैं भाई। 2 Na OH लेते हैं, अब 2:1 में लेते हैं सोडा लाइम में Na OH और CO का मिक्सचर को, ठीक है, इस मिक्सचर को डाल दो भाई इसके ऊपर, क्या होगा, ध्यान देना अगेन, यहां से CO, यहां से Na, 2 Na, Na2, CO, 3 1 ऑक्सीजन, यहां से आप यहां से भी ले सकते हो, अगेन 2 NaOH को मैं ऐसे लिख लूं, NaOH, NaOH, ध्यान देना भाई, 2 Na CO, 2 Na CO, 1 O, Na2CO3, और ये वाला पानी बाहर, Na2CO3 पानी बाहर निकल जाएगा, क्या बचा, ONa यहां आ गया, दोबारा देख लो, यहां पे COONa था, ठीक है, मैं बोला ये CO बाहर निकल जाएगा, कैसे, Na NaO2CO3, ठीक है। एक प्रकार से मैं कहूंगा, जब आप सोडा लाइम यूज करते हैं गाइस, Na2CO3 और साथ में पानी बाहर निकल जाता है, तो इसके साथ ये दोनों भी बनेंगे, ये अगेन सोडियम फिनोक्साइड हो गया, यस, क्या करो, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवा दो, Na की जगह क्या आ जाएगा, बन गया। अब क्या यहां से CO, यहां आप कह सकते हैं CO2 बाहर निकला क्या, क्या CO2 बाहर निकला क्या, यस, क्या CO बाहर निकला क्या, यस, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब यही है, CO2 का बाहर निकलना, ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 बाहर निकल जाए क्या कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड क्या बनेगा प्रोडक्ट, फिनोल, ध्यान रखिएगा, फिनोल बनेगा भाई। तो इन तीन तरीकों से आप फिनोल को बना सकते हो, ठीक है, तीन और रिएक्शन पढ़ेंगे इसके बाद, एक रिएक्शन को यही करवा दूं, देखो सिंपल सा तरीका है भाई, एक बात बताओ मुझे, इसका नाम बता दो बस, क्या होना चाहिए, ये बेंजीन है, मैंने इसके साथ ये मैग्नीशियम और इसके साथ ब्रोमीन लगा दिया, सोचो, ग्रिग्नर रिएजेंट वाले अभी अपने अप्लाई किया था ना, ठीक,
अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक ऑक्सीजन के साथ करवा दूं, हाफ ओ टू के साथ, किस साथ करवा दूं भाई, हाफ ओ टू के साथ। यह फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक, हाफ ओ टू के साथ जैसे ही आप रिएक्शन करवाओगे तो एक ऑक्सीजन एटम यहां घुस जाएगा भाई और Mg के बीच, OMG Br बन गया, बन गया OMG, oh my god, Br bromine जुड़ गया, यस ऑक्सीजन जुड़ गया भाई यहां पे, समझ रहे हो इस बात को। अब क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है बताओ, H और OH माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, OH माइनस इस Mg Br के साथ बाहर, H OH जुड़ गया, H OH फिनोल। क्या किया मैंने इसमें, फ्रॉम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे क्या बना दिया, फिनोल। थोड़ा सा और देख लो एक बार क्या हुआ, देखना ध्यान से, ये बेंजीन के, ये बेंजीन के ऊपर MgBr विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, इसकी रिएक्शन हाफ ओ टू के साथ करवाई तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में जैसे ही ओ टू के साथ करवाई, हाफ ओ टू एक ऑक्सीजन के एटम के साथ, समझ लो आप क्या होगा, ये बेंजीन यहां पे ऑक्सीजन MgBr, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में घुस जाएगा, इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया, क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस H2O के साथ एसिड लेके, क्या हुआ H प्लस OH माइनस, हाइड्रोलाइसिस में ये होता है पानी द्वारा तोड़ो, ये OH माइनस इस MgBr को लेके उड़ जाएगा, ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा, हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा और H बन गया फिनोल। चौथा मेथड था, जो पांचवा छठा मेथड है गाइस वो एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछता है, यही तो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इनको। ये जो दो मेथड है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और यही आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं इन छह मेथड ऑफ फिनोल। चलिए देखते हैं भाई, पहला क्या, सुनना ध्यान से, ये कंपाउंड बेंजीन के ऊपर सीएल, इसे कहते हैं क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यानी हम क्लोरोबेंजीन से क्या बना रहे हैं, फिनोल। ध्यान दीजिएगा, इसकी रिएक्शन मैंने दो मोल ऑफ NaOH के साथ करवा दी, दो मॉलिक्यूल, अगर इसको मॉलिक्यूल माने, ये एक मॉलिक्यूल है दूसरा मॉलिक्यूल, करवा दी 623 केल्विन टेम्परेचर पे, 320 एटीएम प्रेशर पे, 623 केल्विन समझ रहे हो कितना तापमान हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 320 एटीएम, एक एटीएम प्रेशर इतना, 320 एटीएम प्रेशर लगाना पड़ेगा, मतलब ये जो कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, सेम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन, क्या कहेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन, कि आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर यूज करना पड़ रहा है, ठीक। क्या हुआ गाइस, सिंपली यहां ONA आ जाएगा, बढ़िया बात यही है, ONA यहां से सीएल को उड़ा देगा, ONA खुद आ जाएगा, क्या क्या निकला बाहर, देखो दो NaOH को कैसे लिखोगे आप, दो NaOH, ठीक है, NaOH सुनना ध्यान से, और एक Cl, ये जो Cl है इस एक अन्य के साथ फरार, डन माना, ONA वहां पूछ गया, देख लो बेंजीन के ऊपर H2O बाहर निकल जाएगा भाई, दिखा दो साथ में, क्या प्लस में H2O, प्लस में NaCl, ONA यहां आ गया, डन। फिर आप बताइए ONA अभी करके आई और डायलूट HCl दो भाई इसको, Na की जगह क्या जाएगा, H बन गया फिनोल। तो क्या आप लोग क्लोरोबेंजीन से फिनोल बना सकते हो, क्या बना सकते हो, बिल्कुल। खास बात क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपने हेलोलकेन से पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाया था, KOH के साथ हीट किया, सिंपली एक्वस लिया, क्या बना था, सिंपल हीट किया, थोड़ा सा तापमान दिया, थोड़ी सी हीट दी, बन जाता है क्या, ROH प्लस में KCl बाहर, यहां पे आप KOH भी यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या NaOH यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है भाई, एक ही बात है, बन गया KCl की जगह NaCl निकल जाता है, तो इसको थोड़ा सा हीट करने में बन रहा है, ये बहुत ज्यादा हीट करने पे क्लोरोबेंजीन से बन रहा है, यही है क्वेश्चन। ये जो अराइल हैलाइड है, ये है गाइस अल्काइल ग्रुप, ये हैलाइड, इसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड, ये क्वेश्चन है आपका, अल्काइल हैलाइड इजिली रिएक्ट कर लेता है KOH एक्वस के साथ, सिंपली थोड़ा सा हीट करने पे, बट जो ये अराइल फिनाइल ग्रुप हो गया, इसे अराइल ग्रुप कहते हैं, ये जो अराइल हैलाइड है साथ में इसके जुड़ा हुआ क्लोरीन बेंजीन क्लोराइड, IUPAC नेम अराइल हैलाइड कॉमनली,
इसके साथ नहीं करता है, आसानी से रिएक्शन बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगाना पड़ता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन पे होते हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस करके पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बना लेते हैं। पहला रीजन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड ऑफ क्लोरीन एंड दिस कार्बन, एक प्रकार से या क्लोरीन विद बेंजीन कह सकते हो, ठीक है, या फिनाइल ग्रुप, जो क्लोरीन है फिनाइल ग्रुप के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड, ये क्लोरोबेंजीन क्या बना लेता है भाई, पहला रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड बना लेता है। डबल बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान है नहीं है, दो मार्कर तोड़ना आसान है क्या, एक मार्कर तो आसानी से तोड़ सकते हो, दूसरा मार्कर लगा दिया तो तक से नहीं टूटेगा, जोर लगाना पड़ेगा, इसलिए ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ी, ठीक है। व्यवहार नहीं करते, जोर लगाते हो, तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया हो, माँ का दूध पिया तो ये करके मेरे साथ लड़के दिखा, क्या करेंगे आप, इसी वजह से माँ के दूध पे ध्यान रखना गाइज। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर के कारण आपको ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है, प्रोसेस का नाम है दूज प्रोसेस, डाउज प्रोसेस, क्या नाम है भाई, डाउज प्रोसेस। तो क्लोरोबेंजीन के साथ आपके माँ का जितना दूध, समझ रहे हो, देखो इस चीज का तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, माँ के दूध की बात अलग होती है, तो क्या है डाउज प्रोसेस, बस याद रखने का तरीका बता, डाउज प्रोसेस में आप क्या करेंगे, बेंजीन क्लोराइड की रिएक्शन या क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आप 2NaOH के साथ ड्रास्टिक कंडीशन 623 केल्विन टेंपरेचर 320 एटीएम प्रेशर पर करवाएंगे, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, डाइल्यूट छील देने पे फिनोल बना देगा, प्रोसेस का नाम है डाउज प्रोसेस। डाउज प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन से बनता है फिनोल, हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल बाय दिस डाउज प्रोसेस, सिंपली आप इसके साथ करवाएंगे तो आपकी रिएक्शन सही नहीं मानी जाएगी, गलत मानी जाएगी, क्यों, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा गाइस, ये वाला जो कार्बन होता है ये sp2 कार्बन होता है, ये वाला कार्बन sp3 कार्बन होता है, sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये वाला बॉन्ड क्लोरीन आसानी से अपनी तरफ ले जाएगा, जल्दी टूट जाएगा, अगर बराबर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है कार्बन की भी इस क्लोरीन के साथ, ये वाला बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है, अगेन आसानी से बॉन्ड ब्रेक ना होने का आपको ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो पहला रीजन दीजिएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन क्लोरीन एंड फिनाइल ग्रुप, सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन, sp2 होती है क्लोरोबेंजीन में जिसके कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ जाती है और ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता, हमें ड्रास्टिक कंडीशन लगानी पड़ती है। ये क्वेश्चन आता भाई डाउज प्रोसेस से, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट गाइस, अगेन बेंजीन से प्रिपेयर करेंगे किसको, फिनोल को, देखो ये क्लियर हो गया कैसे, पहली बात हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं बेंजीन की, दिस प्रोपीन जानते ही हो गया आपको, बार बार यूज किया हमने, प्रोप वन पे इन प्रोपीन, किसके प्रेजेंस में, फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3OH PO4 की प्रेजेंस में, 523 केल्विन टेम्परेचर पे, एक प्रकार से फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, कैसे गाइस, जब आप बेंजीन पे कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ते हो, अल्काइल ग्रुप ही तो एक प्रकार से अल्कीन ग्रुप मान लो, क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, यहां पे आगे जुड़ना है, यहां पे बेंजीन एक एच था, ये एच इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ये CH के साथ यहां से बॉन्ड बना लेगा, समझ रहे हो, क्या हुआ, जो CH है इसने बेंजीन के साथ बॉन्ड बना लिया, CH ने, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस CH2 के साथ एक H आ गया जो यहां से निकला था, सिंपल। तो क्या बेंजीन से दिस अल्काइल बेंजीन बन गया, ठीक है, यही है फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, बेंजीन के साथ कोई भी अल्काइल ग्रुप जुड़ जाता है, इसलिए बोला इसको फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। ओके, इसका खास नाम है गाइस, क्या इसे कहते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब आप ये देख लिया होगा आपने, इसका कॉमन नेम आईपी, कॉमन नेम कितनी बार यूज हो रहा है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और ये तो बहुत ही खास कॉमन नेम है गाइस, क्या, दिस आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज नोन एज कुमीन, और हम इसे प्यार से बोलते हैं कमीन, और इसी के बेसिस पे, दिस कमीन के बेसिस पे इसका नाम पड़ जाता है कमीन प्रोसेस। सिंपली आप क्या बोलेंगे, क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस, कमीन प्रोसेस, याद रख लेना भाई, याद रखने का तरीका है, देखो क्यूमीन प्रोसेस, कमीन प्रोसेस क्या है, कमीन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कमीन से फिनोल बनता है, ध्यान, कमीन से फिनोल बनना कमीन प्रोसेस कहलाता है, दैट फॉलोअर, ठीक है, कैसे बनेगा देखो, हम क्या करेंगे, इस कमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे, इस कमीन के अंदर जो ये कार्बन है इसके साथ ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन मैंने ऐसे दिखा दिया, ये वाला बॉन्ड बहुत फ्री है, ये कहेगा मैं इन दोनों ऑक्सीजन एटम को अपने साथ रख लूं, ठीक है,
तो इस H के बगल में यहां एक प्रकार से ऑक्सीजन परोक्साइड लिंकेज से जुड़ जाएगी, O सिंगल बॉन्ड H। जब ये ऑक्सीजन इस H के बीच घुस जाती है गाइज, इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन ने ऑक्सीडेशन कर दिया एयर में, एरियल ऑक्सीडेशन, एरियल ऑक्सीडेशन। तो इस टर्म के लिए एक टर्म दे देते हैं आपको, एरियल ऑक्सीडेशन क्या होता है, समझ में आ गया क्या? ऑक्सीजन का जुड़ जाना, ऑक्सीजन का जुड़ गया भाई इन दोनों, इस H और कार्बन के बीच। अगर यहां H नहीं होता तो गाइज रिएक्शन नहीं होती, ये H ही वो जिम्मेदार है इस बात के लिए कि ऑक्सीजन यहां को जगह मिल जाती है, फिर फर्दर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, परोक्साइड बॉन्ड है गाइज, इसको ब्रेक करेंगे डाइल्यूट एसिटोसोफोर एसिड के साथ इतने तापमान, टेम्परेचर भूल भी जाओ रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोसेस तुम लिख देना ये अगर आ जाए कमीन प्रोसेस, नोट लिखिए, टेल अबाउट कमीन प्रोसेस, सिंपल, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कमीन प्रोसेस, व्हाट इज द रिएक्टेंट ऑफ कमीन प्रोसेस, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, तो दिस बन गया भाई, इसकी रिएक्शन इसके साथ होती क्या होता है, देखना गौर से, देखो गौर से देखो, ये ग्रुप अगर आप थोड़ा ध्यान दें, टक 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 टक, CH3CO CH3, ये वाला ग्रुप है भाई CH3CO, एक बॉन्ड दिख रहा है ना, आप एक धक्के से लगा दो भाई, ये हमारा प्यारा कीटोन, छोटा कीटोन, नाम है एसीटोन, छोटा कीटोन, नाम है एसीटोन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बाहर निकल जाता है, क्या बचा OH, ये OH तुरंत इस बेंजीन को पकड़ लेता है, टक, क्या बन गया फिनोल। Guys, this is known as cumin process. बार बार आपसे पूछते हैं cumin process में कौन सी रिएक्शन डोमिनेंसली में होती है, फेडलकार्ट रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। cumin process पूरी बेंजीन से लेके फिनोल तक बनाने की प्रोसेस। तो इस तरीके से गाइज ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन, डाउज प्रोसेस एंड cumin process, आपसे बार बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। और इसी के साथ गाइज हमारी फिनोल्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है।